हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर टुडेज क्लास। सो स्टूडेंट, टुडे वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, चैप्टर 11, द जर्नी ऑफ मशीन्स। हम हमारा जो 11 चैप्टर है उसे यहाँ रीड करने वाले हैं। द जर्नी ऑफ मशीन्स यानी मशीन्स की यात्रा, किस तरह से मशीन्स जो हैं वो डेवलप्ड हुई, अर्ली मैन क्या यूज़ करते थे, एंड प्रेजेंट टाइम पे हमें जो मशीन्स दिखती हैं वो किस तरह से बनी हैं, इस सब के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सो इन आवर प्रीवियस क्लास वी डिड द वर्ड्स मीनिंग ऑफ दिस चैप्टर, एंड आई होप आप लोगों ने वो वर्ड्स मीनिंग अपनी नोटबुक में नोट डाउन किए होंगे और उन्हें अच्छे से पढ़ा होगा। सो आपको वो वर्ड्स मीनिंग क्या करेंगे, अब यहाँ इस चैप्टर को समझने में हेल्प करेंगे। तो चलिए अब हम यहाँ पे इस चैप्टर को रीड करना स्टार्ट कर देते हैं। मॉडर्न लाइफ इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट वॉज इन ओल्ड स्टोन एज। मॉडर्न लाइफ इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट वॉज इन ओल्ड स्टोन एज। आज की लाइफ की अगर हम बात करते हैं, मॉडर्न लाइफ की अगर हम बात करते हैं, तो ये बिल्कुल अलग है। क्या है? बिल्कुल डिफरेंट है फ्रॉम वॉट इट वॉज इन ओल्ड स्टोन एज। के पुराना जब ओल्ड स्टोन एज जब था तब ये किस तरह का लाइफ स्टाइल थी लोगों की, किस तरह के लोग जीवन जिया करते, उससे आज की हमारी जो लाइफ है वो बिल्कुल अलग है। यानी पहले के लोग जब दुनिया के, हम यूँ कह सकते जब दुनिया की शुरुआत हुई थी तब लोग जो स्टाइल जीते थे वो, और आज की जो हमारी लाइफ स्टाइल है वो बिल्कुल डिफरेंट है। स्टोन एज का मतलब होता है प्रस्तर युग यानी पत्थर का टाइम, जब लोग मेटल्स के बारे में नहीं जानते थे, वो हर चीज़ के लिए क्या यूज़ करते थे, स्टोन का यूज़ करते थे। दिस डिफरेंस इज मेनली ड्यू टू द प्रोग्रेस ऑफ साइंस दैट हैज़ ब्रॉट अबाउट मैनी चेंजेस इन अवर लाइफ। दिस डिफरेंस इज मेनली ड्यू टू द प्रोग्रेस ऑफ साइंस। और ये डिफरेंस किसकी वजह से हुआ है, जो साइंस है उसमें दिन रात जो प्रोग्रेस हो रही है उसकी वजह से स्टोन एज और मॉडर्न लाइफ के बीच में इतना चेंजेस आया है, जो हमारी डेली लाइफ को क्या कर रही है, चेंज करते जा रही है। वेर एवर वी कास्ट आवर आइज वी सी द डेवलपमेंट ऑफ साइंस इन सम फ्रॉम और द अदर। और हम जहाँ भी हमारी नज़रें जाती है हम देखते हैं साइंस में जो भी चेंजेस आए हैं, जो प्रोग्रेस आई है उस सब को, हम हमारी डेली लाइफ को अगर हम देखते हैं या हमारे आसपास अगर हम देखते हैं तो हम क्या नज़र करते हैं कि साइंस में दिन ब दिन क्या है, तरक्की हुई है, प्रोग्रेस हुई है, इन सब को चेंजेस को हम हमारी डेली लाइफ में देखते हैं। साइंस हैज़ कंट्रीब्यूट टू अ ग्रेट एक्सटेंट टू द प्रोग्रेस ऑफ सिविलाइजेशन। साइंस हैज़ कंट्रीब्यूट to a great extent to the progress of civilization। और साइंस ने क्या क्या है, सिविलाइजेशन यानी लोगों के सभ्यता, सिविलाइजेशन का मीनिंग होता है लोगों के रहन सहन का एक डेवलप जो तरीका है वो, तो सिविलाइजेशन की को प्रोग्रेस करने में भी साइंस ने बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूट किया है, बहुत बड़ा सहयोग किया, हेल्प की है। द अर्ली मैन हैड सिंपल टूल मेड ऑफ स्टोन एंड वुड। अर्ली मैन हैड सिंपल टूल्स मेड ऑफ स्टोन एंड टूल्स। जो अर्ली मैंस होते थे यानी आदि मानव इन्हें हिंदी में कहा जाता है, तो जो अर्ली मैंस होते थे वो क्या करते थे, स्टोन एंड वुड यानी लकड़ी और पत्थर के बने हुए टूल्स का यूज़ करते थे। ये जब मेटल की डिस्कवरी नहीं हुई थी, मेटल की खोज नहीं हुई थी, तो जो अर्ली मैन होते थे वो क्या यूज़ करते थे, मेनली स्टोन का यूज़ करते थे, इसीलिए उनके टाइम को स्टोन एज कहा जाता है। वो स्टोन से बने हुए यानी पत्थर से बने हुए टूल्स का यूज़ करते थे हंटिंग के लिए और उनके अदर कामों के लिए, जैसे उन्हें पेड़ काटना है या शिकार करना है या ज़मीन खोदना है, तो वो हर चीज़ के लिए क्या यूज़ करते थे, स्टोन का, पत्थर का इस्तेमाल किया करते थे, इसलिए उनके टाइम को क्या कहा जाता है, स्टोन एज कहा जाता है। सो अर्ली मैन हैज सिंपल टूल्स ऑफ स्टोन एंड वुड। उनके पास स्टोन एंड वुड के सिंपल टूल्स हुआ करते थे। विद दिस टूल दे किल्ड एनिमल, और इन्हीं टूल्स से वो एक एनिमल को किल करते थे, जानवरों को मरते थे यानी हंट करते थे। लेटर ऑन दे मेड टूल ऑफ बोन्स, उसके बाद उन्होंने बोन्स यानी हड्डियाँ जो एनिमल्स की बोन्स होती थी उनके भी टूल्स बनाना स्टार्ट किया उन्होंने, उसके बाद हड्डियों के टूल्स बनाए। द प्रोग्रेस टू मेक बेटर टूल मेड अप ऑफ मेटल, और
जो है प्रोग्रेस हुई टू मेक बेटर टूल्स, अच्छे टूल्स बनाने की अप ऑफ मेटल्स वॉज वेरी स्लो, टुक थाउजेंड ऑफ ईयर्स. लेकिन मेटल्स के टूल्स बनाने की जो प्रोग्रेस हुई, प्रगति हुई, ये बहुत स्लो हुई और इस चीज़ ने कितना टाइम ले लिया, थाउजेंड ऑफ ईयर्स लिए. यानी जो मेटल्स का इंट्रोडक्शन बहुत बाद में हुआ, उससे पहले जो अर्ली मेन्स थे वो स्टोन, बोन्स एंड वुड के जो टूल्स हैं उनका यूज़ किया करते थे. मेटल का इंट्रोडक्शन बहुत ही बाद में हुआ है. नाउ प्रोग्रेस फ्रॉम स्टोन टू मेटल. अब स्टोन से मेटल तक की प्रोग्रेस के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से मेटल जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ. लोगों ने स्टोन से पहले जो वो यूज़ करते थे, तो स्टोन को छोड़कर मेटल को किस तरह से यूज़ करना स्टार्ट किया. अर्ली मैन डिड नॉट डिस्कवर द मेटल, बट द डिस्कवरी ऑफ मेटल वॉज एन इंसिडेंट. अर्ली मैन डिड नॉट डिस्कवर द मेटल. अर्ली मैन ने मेटल को डिस्कवर नहीं किया था, यानी उसकी खोज नहीं की थी. ये क्या हुआ था, द डिस्कवरी ऑफ मेटल वॉज एन इंसिडेंट. ये इंसिडेंट एक घटना थी, मेटल की खोज उन्होंने करी नहीं थी, बल्कि एक इंसिडेंट के थ्रू उन्हें मेटल जो है वो मिला था. अब वो इंसिडेंट क्या था, इट सीम्स एज इफ अ पीस ऑफ रॉक फेल इन टू द फायर. इट सीम्स का मतलब होता है ऐसा लगना, एक्चुअल हुआ है या नहीं इसे हम नहीं कह रहे, बट ऐसा लगता है कि अ पीस ऑफ रॉक, एक चट्टान का रॉक का टुकड़ा जो है, फेल इन टू द फायर, वो फायर में गिर गया होगा. आफ्टर सम टाइम इट वॉज नोटिस दैट अ रेड बॉल इन इट इज इन द एश ऑफ फायर इन प्लेस ऑफ रॉक पीस. और फिर क्या हुआ, आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद ये नोटिस्ड किया गया कि एक रेड बॉल, एक लाल कलर की जो बॉल है वो चमक रही है कहाँ पे, फायर के बीच में, रॉक की जगह वहाँ पे क्या देखा गया, एक लाल कलर की बॉल देखी गई. द बॉल वॉज शाइनिंग एंड वॉज हैवी इन वेट. और वो जो बॉल थी वो चमक रही थी और उसका वेट भी जो है ज़्यादा था, वो हैवी थी, भारी थी वजन में. अर्ली मैन हीटेड रॉक पीसेस सेवरल टाइम्स टू सी वॉट हैपन अगेन एंड अगेन. और फिर अर्ली मैंस ने क्या किया, जो रॉक्स पीसेस थे उनको अलग अलग टाइम पर गर्म करना स्टार्ट कर दिया और उसे देखा कि बार बार ऐसा करने पर क्या हो रहा है. एक बार इंसिडेंट हुआ कि एक जो चट्टान का टुकड़ा है या पत्थर का टुकड़ा है वो आग में गिर गया और वो जला, तो उसमें से क्या हुआ, एक रेड कलर की बॉल निकली. तो उन्होंने जब ये चीज़ नोटिस की तो उन्होंने क्या किया, रॉक्स को बार बार फायर में जो है गर्म करना स्टार्ट कर दिया, जलाना स्टार्ट कर दिया, जिससे क्या हुआ, वो रेड कलर की बॉल्स को पाते चले गए. दिस रेड बॉल वॉज कॉपर. अब ये रेड बॉल थी क्या, कॉपर. दिस रेड बॉल वॉज कॉपर. ये रेड कलर की जो बॉल थी वो थी कॉपर. कॉपर का मतलब होता है तांबा. आप लोगों ने देखे होंगे कॉपर के, आपके घरों में बर्तन भी आते हैं, कुछ लोग रिंग्स वगैरह भी पहनते हैं कॉपर की, जो कुछ रेड एंड लाइट ब्राउन कलर का होता है, मतलब उसमें रेडिश कलर का होता है वो. इट ही कुड मेड स्ट्रॉन्ग टूल एंड वेपन फ्रॉम दैट मेटल. और जब अर्ली मैन ने क्या किया, वो इस मेटल के साथ स्ट्रॉन्ग टूल एंड वेपन्स बनाने लग गया. अर्ली मैन क्या करने लग गया कि जब उन्हें कॉपर मिल गया तो उन्होंने स्टोन की जगह इस टूल से इस और अच्छे और स्ट्रॉन्ग वेपन्स और टूल्स बनाना स्टार्ट कर दिया. द कॉपर टूल्स वेर यूजफुल इन फार्मिंग एक्टिविटीज़. जो कॉपर के टूल्स थे वो यूजफुल थे काई के लिए, यूज़फुल इन फार्मिंग एक्टिविटीज़. फार्मिंग एक्टिविटीज़ में वो यूज़फुल थे, बहुत उनको हेल्प मिलती थी फार्मिंग में टूल से. लेटर बाद में दे डिस्कवर्ड ब्रॉन्ज एंड एलो. उन्होंने फिर किसकी खोज की, ब्रॉन्ज की. ब्रॉन्ज होता है पीतल. ओके तो ये याद रखिएगा, कॉपर, कॉपर को हिंदी में तांबा कहा जाता है एंड ब्रॉन्ज का मीनिंग होता है पीतल, जो क्या है, एक एलो है. एलो, एलो का मीनिंग होता है मिश्रित धातु. एलो मीन्स मिक्स मेटल. ओके मिश्रित धातु.
अ मिक्सचर ऑफ टू मेटल इज कॉल्ड एन एलो। एलो क्या होता है? अ मिक्सचर ऑफ टू मेटल्स, दो मेटल से मिलकर बनने वाली एक मेटल या धातु होती है जिसे एलो कहा जाता है। सो एलो क्या होता है? एलो जो है टू मेटल्स का मिक्सचर होता है, टू और मोर मेटल्स का मिक्सचर होता है, यानी दो या उससे भी ज़्यादा मेटल्स के मिक्सचर को एलो कहा जाता है। ओके, इट वॉज मेड बाय मिक्सिंग कॉपर एंड टिन, और ये बनता है कॉपर और टिन के मिक्सचर से। ब्रॉन्ज की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो ब्रॉन्ज क्या है? एक एलो है जो किससे बना है? कॉपर एंड टिन के मिक्सचर से बना है। इट वॉज हार्डर देन कॉपर, इट वॉज हार्डर देन कॉपर, ये कॉपर से ज़्यादा हार्ड होता है। ओके, आफ्टर फ्यू थाउजेंड ईयर्स केम द वंडर मेटल, अब कुछ हजारों साल बाद एक वंडर मेटल क्या हुआ, एक और भी अच्छा मेटल जो है वो सामने आया, उसकी डिस्कवरी की गई। एंड वो वंडर मेटल क्या था? आयरन, यानी लोहा। सो आफ्टर फ्यू थाउजेंड ईयर्स केम द वंडर मेटल आयरन, कुछ हज़ारों साल के बाद एक वंडर मेटल जो है वो सामने आया, जिसको क्या कहा गया? आयरन, यानी लोहा। इट वॉज स्ट्रोंगर देन कॉपर, ये कॉपर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, ज़्यादा हार्ड था, ज़्यादा मजबूत था। द टूल्स मेड ऑफ आयरन लाइक एक्सेस, प्लफ, सिकलेस एंड शोवेल्स, और जो टूल्स बनाए गए आयरन से वो थे एक्सेस यानी कुल्हाड़ी, प्लॉफ, प्लॉफ का मतलब हल, सिकलेस दराती एंड शोवेल्स यानी फावड़ा, ये जो मजबूत टूल्स थे जो फार्मिंग के लिए यूज़ किए जाते थे वो किससे बने? आयरन से। कुड ईजीली कट ट्रीज, जो ईजीली क्या करते थे? ट्रीज को कट कर सकते थे एंड क्लियर फॉरेस्ट, और जंगलों को क्लियर करने में हेल्प करते थे। तो आयरन की जब डिस्कवरी की गई, खोज की गई, तो उसके बाद जो लोग थे उन्होंने एक्सेस, प्लफ, सिकलेस एंड शॉवल्स जैसे टूल्स बनाना स्टार्ट किया, जो पेड़ काटने में और फॉरेस्ट को क्लियर करने में बहुत यूजफुल जो है साबित हुए। Thus the early man turned the forest into farm, और फिर early man ने क्या किया? जंगलों को क्लियर किया और उन्हें फार्म में यानी खेतों में चेंज कर दिया, यानी जंगलों के पेड़ों को काट कर उन्होंने ज़मीन क्लियर की और उस ज़मीन पर उन्होंने फार्मिंग करना स्टार्ट कर दिया। Hunting of animal was easier with metallic tools, और एनिमल्स की हंटिंग करना यानी जानवरों का शिकार करना वो भी बहुत ज़्यादा आसान हो गया था मेटेलिक टूल्स के साथ। द बेटर टूल हेल्प द अर्ली मैन टू बिकम अ स्किल्ड कारपेंटर, फार्मर, हंटर, पॉटर एंड ब्लैकस्मिथ, और मेटल की खोज के साथ जो अच्छे टूल्स बने उसने क्या किया? अर्ली मैन को जो था उसे एक अच्छा कारपेंटर, फार्मर, हंटर, पोटर एंड ब्लैकस्मिथ बनने में बहुत हेल्प की। तो स्किल्ड कारपेंटर यानी एक कुशल कौन? कारीगर। किसका? लकड़ी का। फार्मर किसान, हंटर यानी शिकारी, पोटर होते हैं पॉटर यानी कुम्हार, एंड ब्लैकस्मिथ होते हैं जो बर्तन बनाने का काम करते हैं, जिन्हें ठटेरा भी कहा जाता है। तो जो बर्तन बनाते हैं, तो अच्छे टूल्स ने क्या किया? अर्ली मैन को एक अच्छा कारपेंटर, फार्मर, हंटर, पॉटर एंड ब्लैकस्मिथ बनने में हेल्प की। इसकी हेल्प से जो है वो एक कुशल कारीगर या एक अच्छा कारीगर बन गया। He now settled at one place and began to lead a comfortable life. अब उसने क्या कर दिया था? जो अर्ली मैन थे उन्होंने क्या किया था? पहले वो लोग जगह जगह घूमते थे, शिकार करते थे और जंगलों में रहा करते थे, बट जैसे जैसे मेटल की खोज हुई, टूल्स बनाना स्टार्ट किया, तो उन्होंने एक जगह पर सेटल होना भी स्टार्ट कर दिया। अब वो एक ही जगह पर सेटल हुए और उन्होंने एक कम्फर्टेबल लाइफ जीना जो है स्टार्ट कर दिया। Now he had time to
थिंक ऑफ न्यू आइडियाज़। अब वो उसके पास टाइम हुआ करता था नए नए आइडियाज़ के बारे में सोचने का कि अब वो और क्या बेहतर कर सकता है। द न्यू आइडियाज़ इन्वेंटेड सेवरल टूल्स, और इन्हीं नए आइडियाज़ ने जो है और भी सेवरल टूल्स यानी नए नए तरीक़ों के जो टूल्स थे उन्हें इन्वेंट किया। मशीन विच मेड द ह्यूमन्स लाइफ ईजियर एंड कम्फर्टेबल। जब अर्ली मैन ने एक ही जगह पर सेटल होने लगाया और उसने एक अच्छी लाइफ जीना स्टार्ट कर दिया, तो उसने सोचना स्टार्ट कर दिया कि किस तरह से और भी नए टूल्स मशीन्स को इन्वेंट किया जा सकता है लाइफ को ईजियर और आरामदायक कम्फर्टेबल बनाने के लिए। तो इन मशीन्स ने हमारी जो लाइफ है उसको ईजी और कम्फर्टेबल भी बनाया है। ओके, सो दैट्स ऑल इन टुडेज क्लास। आज की क्लास में बस इतना ही। हम फिर से मिलेंगे और इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। टिल देन यू कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर एंड बाय बाय।